गुड मॉर्निंग गाइस, रुके थे कृष्णा होटल पे। बहुत ही अच्छी होटल है। हमारा दो जन का उन्होंने 800 रुपये लिया है। रेगुलर तो 1500 रुपये से ज़्यादा लेते, लेकिन हमारा कम लिया है क्योंकि हम यहाँ पे दूसरी बार स्टे कर रहे हैं। मतलब मैं दूसरी बार नहीं, मेरे साथ जो कज़िन है वो दूसरी बार स्टे कर रहे हैं। और अभी बजे सुबह के 6:30 और बाइक लोड हो चुका है। सिर्फ ये ताड़पत्री लगाना बाकी है। आगे वेदर तो अच्छा है लेकिन बारिश होगी तो क्या पता, इसलिए ताड़पत्री लगा के फिर अभी ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। तो आज जाने का प्लान है हमारे श्रीनगर, देखते हैं। मे भी आज के दिन में हमको 350 किलोमीटर कवर करना है, तो मिलते हैं आगे। वेलकम टू कारगिल सिटी। अभी हम कारगिल सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। कारगिल से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। ये पूरा कारगिल सिटी है। सुबह सब बंद पड़ा है, हम बहुत ही जल्दी निकले। अभी 7 बजे मॉर्निंग, रिफ्यूल करवा लेते हैं, आगे काम मिलेगा पता नहीं। कारगिल में 100 रुपीज है पेट्रोल के। कर दो ऊपर चला है। बस डन। 840 का हुआ। कारगिल से जोजिला पास का रास्ता और बाद में तो प्यारा सा रिवर। फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, ठंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन थर्मल पहना है तो कोई इशू नहीं है। कारगिल एग्जिट कर दिया हमने। कारगिल से निकलते ही यहाँ पे एंट्री करवानी रहेगी। कारगिल से निकल के बालताल के बीच में बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है। इसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा क्योंकि ये किसी को दिखे वैसा ही नहीं है। सड़क पे से नहीं दिखता है, हम साइड में से नीचे उतर के आए। बहुत ही प्यारा ये ब्रिज है। चलने के लिए ये थोड़ा आगे आ जाता हूँ, देख लीजिए। और सड़क वहाँ पे है, वहाँ पे हम इतना नीचे आए हैं यहाँ पर। सोनमार्ग से जम्मू के रास्ते पे हूँ। बहुत ही तेज़ बारिश थी, अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है इसलिए
GoPro निकाल पाया हूँ। तो अभी माउंट हो चुका है और यहाँ पे मुझे एक प्राउड मोमेंट लगा है। हाँ भाई तुम तू निकल ले कर अपनी सेफ्टी के लिए इतना आर्मी लगाया है, इधर इतना आर्मी लगाया है। देखिए हर जगह पर मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए यहाँ पे ये सर जी खड़े, उसके बाद यहाँ पे ये सर जी खड़े, उसके बाद ये दो सर जी यहाँ पे आ रहे हैं। और जो अमरनाथ यात्रा है वो इसी मार्ग से, मतलब सब बंदे जाते हैं, सब लोग इसी रास्ते से जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। तो उनके लिए तो भाई डेड प्लस सिक्योरिटी है, मतलब आगे आर्मी की दो बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है, उसके बीच में सारी बस वगैरह रहती है जिसमें यात्री सब रहते हैं, और सारे बस ख़त्म हो जाने के बाद पीछे दो और बस रहती है, हाँ बस का पीछे दो और आर्मी की गाड़ी रहती है। मतलब सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप ये रोड पर आराम से घूम सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। Look at the view। दोपहर के 2 बजे लेकिन अब तक मुझे धूप नहीं मिली है, धूप चाहिए मुझे, मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, ग्लव्स व्लव सब भीगा हुआ है, GoPro भी भीग चुका है। तो जम्मू के लिए 2 रास्ते पड़ते हैं, एक श्रीनगर होके जाता है और एक श्रीनगर से, मतलब श्रीनगर नहीं जाना है उससे बिना भी एक जाता है। श्रीनगर से होके जाओगे उसमें आपको छोटी छोटी गलियों में घूम के जाना पड़ेगा। तो आर्मी के सोल्जर से मैंने पूछा, उन्होंने बताया। और ये वालों रोड पे जाओगे तो 4 लेन आगे हाईवे आपको मिल जाएगा और ये ज़्यादा सेफ है, तो आप इसी रास्ते से जाइए, उन्होंने सजेस्ट किया तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। और भाई साहब बादल नीचे आ गए ऐसा लग रहा है। जम्मू के लिए रास्ता तो यही है लेकिन एक बार कंफर्म करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पीछे 2 बोर्ड दिखा रहे थे, एक में दिखा है श्रीनगर 30 किलोमीटर और उसके बाद आया श्रीनगर 40 किलोमीटर, और वो भी राइड में दिखा रहा था, और जम्मू तो स्ट्रेट ही दिखा रहा है। तो एक बार अपन पूछ लेते हैं किसी से। हर थोड़ी सेकंड में सोल्जर तो आ ही रहे, तो सोल्जर से ही पूछेंगे। देखो इधर भी बैठे हैं लेकिन अंदर है, अपन पूछ नहीं सकते, चलो इनसे पूछ लेते। सर जी जम्मू के लिए रास्ता सही है, यही है ना? ओके okay। मैं लद्दाख जा के आया। कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। चलिए सर जी, थैंक यू। जम्मू के लिए लेना है आपको लेफ्ट, मे बी ये मेन रोड आ जाएगा, अभी देखते हैं। GoPro की हालत ख़राब है गाइस, तो मेरे को है ना प्रॉपर साफ करना पड़ेगा, धूल धूल हो गया है, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते ऐसा ख़राब हो चुका है। ट्रक है,
वाला है इसलिए इतना सारा ट्रैफिक था। लेने में दिक्कत हो गई थी, कितनी बड़ी टनल है। हालत देख रहे हो गाइस, ये था श्रीनगर से जम्मू का रास्ता। मेरी हालत देखोगे, मैं भी बुरा ऐसा ही हूँ। शूज देखो, शूज बहुत गंदे। शूज का कलर ही पता नहीं चल रहा है। अभी चाय पीऊंगा, अभी 80 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद जम्मू। बाइक की हालत इतनी ख़राब हो गई, जम्मू जाके मुझे सर्विस करवाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है।